नवरात्रि का तीसरा दिवस, दुर्गा माता के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा का गायन पूजन होता है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र दिखाया जाता है। चंद्रमा शीतलता शांति का प्रतीक है और घंटा ज्ञान युक्त स्थिति का प्रतीक है। बुद्धि में आत्मज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान, और इसलिए माता का गायन पूजन शीतलता और ज्ञान युक्त स्थिति के लिए होता है। घंटा बुद्धि की शक्तिशाली स्थिति को दर्शाता है। माता की सिंह पर सवारी है। सिंह पर सवारी निर्भयता का प्रतीक है। अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल और इसलिए बाहर की परिस्थितियों पर कंट्रोल, यह दर्शाता है। माता के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाए जाते हैं, 10 हाथ, और सभी हाथों में ज्ञान युक्त अस्त्र ज्ञान युक्त स्थिति का प्रतीक है। अस्त्र शस्त्र जैसे तीर, तलवार, खड़ग, त्रिशूल, यह सभी दर्शाते हैं कि माता के मन में, बुद्धि में शक्तिशाली ज्ञान और इसलिए शक्तिशाली स्थिति है। कमल पुष्प न्यारेपन और प्यारेपन की स्थिति का सूचक है। शिव के साथ योग युक्त स्थिति, शिव की प्यारी और इसलिए इस दुनिया से न्यारी। हाथ में माला, माला मतलब निरंतर शिव के साथ योग युक्त अवस्था, और ज्ञान मुद्रा मतलब ज्ञान युक्त उच्च स्थिति। तो माता चंद्र घंटा का आज के दिन हम गायन पूजन करेंगे और उनका आह्वान भी करेंगे। अपनी स्थिति को माता चंद्र घंटा की स्थिति के जैसा बनाएंगे तो हम भी माता चंद्र घंटा के जैसा शिव के साथ योग युक्त स्थिति में रहेंगे। मन बुद्धि में ज्ञान समाया हुआ, बुद्धि में आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान आदि मध्य अंत का ज्ञान, और इसलिए शक्तिशाली स्थिति, उचित उच्च स्थिति, शीतलता शांत स्थिति, ज्ञान युक्त स्थिति। तो आज सारा दिन माता चंद्र घंटा का गायन पूजन भी करेंगे, उनकी महिमा भी गाएंगे और साथ साथ उनके जैसे बनेंगे भी। ओम शांति।